أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم। गुज़िश्ता दुरूस में यह मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से लेकर आखिर तक तकरीबन सूरतुल ज़ुहा से लेकर आखिर तक तकरीबन ये 20-22 सूरतें जो हैं ये सारी की सारी मजमूई तौर पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है इन सूरतों के अंदर। तो इसी तरह ये जो सूरत है सूरतुल शरह या सूरतुल इंशराह, मैंने बताया था कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर पर तीन एहसानात का तज़किरा किया है। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उम्मत पर बड़े एहसानात हैं, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के तीन बड़े एहसान हैं जो अल्लाह ने कुरान की इस सूरत में बयान किए। हमें याद करने चाहिए। बड़े आसान अंदाज में मैं बताऊंगा कि अल्लाह ताला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन से तीन एहसानात। पहले नंबर पर बताया अलम नशरह लक सदरक, ऐ पैगंबर क्या हमने आपके सीने को नहीं खोला, हमने आपके सीने को खोल दिया। और दूसरे नंबर पर बताया था कि ऐ पैगंबर हमने आपके उस बोझ को हल्का कर दिया कि जो इतना बोझ था कि जिसने आपकी कमर को टेढ़ा कर दिया था, कमर पर वज़न आ चुका था। और तीसरे नंबर पर बताया कि ऐ पैगंबर हमने आपके नाम को बुलंद कर दिया। ये तीन तारीफ़ें और तीन एहसानात अल्लाह ताला के। पहले नंबर पर जो एहसान है सीना खोल देना, मैंने इसमें बताया था कि सीना खोल देने के भी दो मतलब। एक तो है ज़ाहरी तौर पर सीना खोलना, जो शक्के सदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अनवर को खोला गया। और इस पर मैंने बताया था कि चार दफ़ा ये वाक़या पेश आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को खोला गया, आपके दिल मुबारक को धोया गया, ये चार दफ़ा पेश आया। दूसरा क्या है कि अंदरूनी तौर पर खुलना, बातनी तौर पर सीने का खुलना, जिसको शरह सदर कह लें। अब मैं आसान तर्जुमा करता हूँ, देखो ऐ पैगंबर हमने आप पर शरह सदर फरमाया, हमारा ये आप पर एहसान है कि हमने आपको शरह सदर की नेमत अता फरमाई। शरह सदर क्या है कि इंसान के सीने का खुल जाना, सीने में अल्लाह की मारिफत का पैदा होना, इंसान के दिल में ईमान का नूर पैदा हो जाना, इसको कहते हैं शरह सदर। शरह सदर यानी अल्लाह ताला के कहने का मकसद यहाँ ये है कि ऐ पैगंबर हमने आपके सीने में ईमान की रोशनी पैदा कर दी है, हमने आपके सीने के अंदर अल्लाह की मारिफत पैदा कर दी है, हमने आपके सीने में वो जुर्रत पैदा कर दी है कि बड़े बड़े सितमगरों के सामने आप सीना तान कर दावत देते रहे। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के किसी बड़े से बड़े जालिम और बादशाह से मुतासर नहीं हुए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरह सदर। मेरे दोस्तों कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई मकामात पर शरह सदर का तज़किरा किया। अगर हम उसका मुताला करें तो ये बात निकलती है कि शरह सदर जब कोई इंसान हिदायत की तलब दिखाता है, उसके दिल में तलब होती है कि अल्लाह ताला मुझे कुछ ना कुछ दे दे, मुझे नवाज दे किसी ना किसी तरीके से, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के दिल में ईमान की रोशनी पैदा कर देते हैं। और जब ईमान की रोशनी पैदा, देखो ना अभी ये लाइट जल रही है, अभी ये रोशनियाँ हैं, इस रोशनी की वजह से अंधेरा दूर चला गया, जैसे ही ये लाइटें बंद होंगी अंधेरा फिर छा जाए। इसी तरह जब इंसान के दिल में ईमान की रोशनी होती है तो अंदर के अंधेरे ख़त्म हो जाते हैं, रोशनियाँ पैदा हो जाती हैं। इंसान के दिल में जब ईमान की शमा जलती है तो इंसान के दिल के अंधेरे ख़त्म हो जाते हैं,
यही बात है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिही, कि जिसके सीने को हम इस्लाम के लिए खोल दें, जिसके दिल में हम ईमान और हिकमत की बातें डाल दें, तो भला वो उस शख्स के बराबर हो सकता है कि जिसके दिल को अल्लाह सख्त बना दें? ऐसा नहीं हो सकता। और जिसको अल्लाह ताला शरह सदर से महरूम फरमा दें, उसका दिल सख्त हो जाता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो हिदायत की बात को कबूल ही नहीं करता। और यही बात है मेरे दोस्तों, जब इंसान के दिल में ईमान की शमा जल जाती है, तो फिर दीन इस्लाम की खातिर बड़ी बड़ी मशक्क़तें बर्दाश्त करना आसान हो जाती हैं। फिर इंसान दीन इस्लाम की खातिर अपना तन मन धन लगाना आसान हो जाता है। हम देखते हैं क्या बात है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की टांगों में रस्सी डालकर जनाब मक्का की पहाड़ियों पर आपको घसीटा जाता था। क्या बात थी कि बिलाल हबशी अहद अहद के नारे लगाते थे, कहते थे अल्लाह एक। बाद रिवायतों में यहाँ तक आते हैं कि हज़रत बिलाल फरमाते हैं, अगर अल्लाह जल्ला जलालू की बड़ाई का इससे भी बड़ा कोई जुमला मुझे याद होता, तो मैं कुफ्फार को सुनाने के लिए मार खा खा के वो जुमले भी कहता, अहद अहद कहते रहे। और हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु अंगारों पर लिटाए जा रहे, कमर में गड़े पड़ गए। और हज़रत सुमैया, कैसी क्या बात है हज़रत सुमैया की, औरत तो वैसे ही कमज़ोर होती, सिनफ़े नाजुक है औरत, और फिर हज़रत सुमैया के अबू जहल तकलीफ़ें दे रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रते, आप फरमाते सुमैया सब्र कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता फ़रमाए। और जब अबू जहल ने देखा कि ये बूढ़ी माँ, ये सहाबिया औरत, ये तो मानेगी नहीं, तो उसने बर्छा मार कर आपको शहीद कर दिया। कितनी बड़ी सआदत अल्लाह ने हज़रत सुमैया के हिस्से में रखी, ये याद रखना, नोट कर लो। इस्लाम की खातिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद सबसे पहले इस रूए ज़मीन पर जिस औरत का खून गिरा है वो हज़रत सुमैया है। सबसे पहले जिस औरत का हुजूर की बेसत के बाद इस ज़मीन पर खून गिरा है वो हज़रत सुमैया है। तो कितना बड़ा एज़ाज़ है कि इस्लाम में सबसे पहली शहादत एक औरत को मिली, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। यही बात है, क्या बात थी कि ईमान अंदर आ चुका, ईमान की शमा अंदर जल चुकी थी और इस्लाम अंदर चमक रहा था। बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देना आसान हो जाती हैं। देखो ये जो खाने होते हैं ना खाने, जनाब दाल का जायका और गोश्त का जायका और सब्ज़ी का जायका और मशरूबात का जायका, और इसी तरह अगर इंसान के दिल में ईमान की रोशनी जले तो उसको पता चलता है कि नमाज़ पढ़ने की अपनी लज्जत है, तिलावत की अपनी लज्जत है, रोज़ा रखने अल्लाह की खातिर भूख बर्दाश्त करने की अपनी लज्जत है, और हज और उम्रे पे जाने की अपनी लज्जत है, तो इबादत की लज्जतें उसको महसूस होती। यही वजह है, देखो अब शहीद होना कोई मामूली काम, नारे मारना बड़े आसान, शहादत बड़ा आला काम। बहुत ऊंचे लोग होते हैं जिनको अल्लाह शहादत से सरफराज फरमाते हैं, कि हदीस मुबारक में आता है कि शहीद जब जन्नत में जाएगा तो वो कहेगा, या अल्लाह बस एक ही चीज़ का अफसोस है कि मैं दुनिया में फिर जाऊं, ज़िंदा हो जाऊं तेरे रास्ते पे फिर शहादत मिले, फिर ज़िंदा हो जाऊं तेरे रास्ते में फिर शहादत मिले। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जी चाहता है कि मैं शहीद किया जाऊं, ज़िंदा हो जाऊं, फिर शहादत मिले, फिर ज़िंदा हो जाऊं, फिर अल्लाह के रास्ते में शहादत मिल जाए। तीन दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की तमन्ना की। अब हालांकि शहीद होना कितना बड़ा काम, कितना मुश्किल काम, लेकिन जब इंसान के दिल में यह शरह सदर ईमान आ जाए तो बड़ा आसान हो जाता। और यही एक बात है मेरे दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिए कि इंसान के दिल में शरह सदर की निशानी क्या है, अलामत क्या है, कि अल्लाह ताला ने इसके सीने को खोल दिया इस्लाम के लिए। अगर इबादत करने में लज्जत महसूस हो, इबादत करने को दिल चाहे कि नमाज और पढ़ लूँ, दिल चाहे कि दुआ और मांग लूँ, दिल चाहे कि तिलावत एक पारा करता हूँ दो पारे कर दूँ, नवाफिल छः पढ़ता हूँ आठ कर दूँ, तो समझे कि अल्लाह ताला ने इसको शरह सदर फरमा दिया है, इसका दिल खुल गया इस्लाम के लिए। और अगर अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अल्लाह की हिफाजत फरमाए, जनाब नमाज़ पढ़नी मुश्किल लगती,
तिलावत करने को दिल न करे, मस्जिद में जाते हुए ऐसे ही लगे जैसे पहाड़ों पे चढ़ना मुश्किल लगे, और रमज़ान का मुबारक महीना आए तो कहते जी मर गए, रोज़े भी आ गए, अब रोज़े भी रखने पड़ेंगे। मुसीबत और बोझ महसूस हो तो समझो इसको बेचारे को शरह सदर की कमी है, ये अल्लाह से दिल मांगे जिसमें अल्लाह हिदायत की फिजाएँ खोल। और ये बात भी है कि शरह सदर सीने का खुल जाना, ये अगली बात है, ये अगली बात नोट कीजिए कि शरह सदर जिस तरह आम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत है कि किसी दाई और मुबल्लिग और आलिम और ख़तीब का शरह सदर होना चाहिए। इसलिए कि देखो एक बंदा मुबल्लिग, उसके अपने सीने में ईमान रोशन नहीं, वो लोगों को क्या रोशनी देगा। जिसके अंदर ईमान की कमी है वो क्या किसी को ईमान पहुंचाए। ज़रूरत है, देखो बात दफ़ा बड़ी शोलेदार तकरीर होती है, बड़े फसीह बलीग अल्फाज होते हैं, बड़ी गुफ्तगू का मलका होता है, लेकिन अंदर ईमान की कमज़ोरी की वजह से वो बात कानों तक की असर करती है, दिल पर नहीं उतरती। सबसे पहले शरह सदर, इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के पास गए तो आपने चार दुआएँ मांगी, बड़ी बेहतरीन दुआएँ, चार दुआएँ मांगी मूसा अलैहिस्सलाम। पहली दुआ रब्बिशरहली सदरी, ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, शरह सदर अता फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे, और क्या क्या मतलब शरह सदर, या अल्लाह मैं फ़िरौन जैसी सुपर पावर के पास जा रहा हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि फ़िरौन की ताकत से मैं मुतासर हो जाऊँ, इसलिए मेरे सीने को ऐसा खोल दे कि मैं बातिल से मुतासर ही ना हो सकूँ। वयस्सिरली अमरी, दूसरी दुआ, ऐ अल्लाह मेरे मामले को आसान कर दे, यानी क्या आसान कर दे कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़िरौन सजाएं दे, मैं उसकी सजाओं की ताब ना ला सकूं, तो मेरे मामले को आसान कर दे। तीसरी दुआ क्या मांगी, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, ऐ अल्लाह मेरी ज़ुबान की गिरा खोल, मेरी ज़ुबान में जो तोतलापन है उसको ख़त्म फरमा दे, ताकि फ़िरौन मेरी बात भी समझ सके। ये तीन दुआएं होगी। चौथी दुआ आपने क्या मांगी, चौथी दुआ मांगी कि वजअली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिश्तुत बिही अज़री, ऐ अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा नायब बना दे, इसको भी नबी बना दे, ताकि मेरे दावत के काम में शरीक हो जाए। अच्छा, मेरी नज़र के मुताबिक, कोताह नज़र के मुताबिक, और उलमा से भी कसरत से सुने कि दुआएं तो सारे पैगंबरों की अफजल, सारे पैगंबरों की दुआएं शानदार, लेकिन दो पैगंबरों की दुआओं के क्या कहने। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कि जिन्होंने दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी औलाद में नबुव्वत का सिलसिला जारी फरमा दे, बड़ी बेहतरीन दुआ। आपकी दुआ के सिलसिले में अल्लाह ने आपकी लड़ी में से आखिरी पैगंबर पैदा फरमाए, कैसी बेहतरीन दुआ। अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाया करते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार से वो चीज़ मांगी जो अल्लाह के दरबार में एक ही थी, बस, जो अल्लाह के दरबार में बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ एक ही चीज़ थी, वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांग ली कि या अल्लाह उस पैगंबर को मेरी लड़ी में से पैदा फरमा। और दूसरी दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह मेरे भाई को पैगंबर बना दे, ऐसी बेहतरीन दुआ कि भाई को अपनी दुआओं से नबी बनवा लिया। इसलिए भाइयों के हक़ में दुआ करना ये पैगंबरों की सुन्नत है, और ख़ास तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो मैं कहना ये चाहता था कि शरह सदर, सीने का खुल जाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह से मांगनी चाहिए। और उलमा ने लिखा है कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद 23 मरतबा ये दुआ पढ़ लिया करे, जो मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ जो मैंने आपको सुनाई, रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, यहाँ तक, वजअली वज़ीरम मिन अहली हम नहीं मांगेंगे क्योंकि वो तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास थी, यहाँ तक यफ़क़हु क़ौली। अल्लाह ताला ऐसे बंदे का हाफिज़ा तेज़ फरमा देते हैं। बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं ना, निसियान की बीमारी है, भूल जाता हूँ, पता नहीं चलता। सुबह शाम फजर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद 23 मरतबा ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। तो फरमाया अलम नशरह लक सदरक, ऐ पैगंबर हमारा आपके ऊपर सबसे पहला एहसान ये है
कि हमने आपको शरह सदर अता फरमाया। अच्छा, दूसरा एहसान के वज़अना अनका विज़्रकल लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, हमने आपसे वो बोझ हटा दिया कि जिस बोझ ने आपकी पुश्त को बोझल बना दिया था। अच्छा, वो बोझ कौन था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना बड़ा बोझ था? वो इंसानियत की हिदायत का बोझ था, इंसानियत की हिदायत का बोझ, कि अल्लाह जल्ला जलालहू ने इंसानियत की हिदायत के लिए आपको फरमाया कि पैगंबर आप दावत दें, किसी का तस्किया करें, इनको कुरान की तिलावत सिखाएं, इनको कुरान के मफहूम सिखाएं। ये एक इंसानियत की हिदायत का बोझ था आप पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को भी दावत देते, रात को दावत देते, फर्दन मिलते, मजमों में जाके मिलते, उकाज और ज़ुल्मजाज के ऊपर बड़े बड़े मेले लगते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाकर भी दावत देते थे नौजवानों को भी। अच्छा, शुरू शुरू में इब्तदाए इस्लाम में ऐसा वक़्त भी आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा पूरा दिन दावत देते रहते, पूरे दिन में कोई मिलता आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता, कोई मिलता तो हुजूर को ताने देता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के शाम को आते, कोई एक भी आपकी दावत कबूल ना करता, आप वापस घर तशरीफ़ ले आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंग दिल होकर कहते, या अल्लाह, ये जो लोग बुतों की पूजा करते हैं ये कब तौहीद के परस्तार बनेंगे? ये जो लोग शराब और नशे के आदि, ये कब नशा छोड़ेंगे? ये जो लोग बदकारी के आदि बन चुके हैं, ये कब हयादार बनेंगे? आपका सीना खोलता था, आपका सीना फटता था इस गम के अंदर कि ये उम्मत कैसे अल्लाह की दावत की तरफ मायल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फ़िक्र को देख के अल्लाह ताला को भी तरस आता। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, फ़लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनू मुमिनीन, ऐ पैगंबर, अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो क्या आप अपने आप को हलाक कर लें? यानी आप इतनी फ़िक्र कर रहे हैं कि आप अपने आप को हलाक कर लें। सूरह काफ में फ़रमाया, फ़लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीस असफ़ा, ऐ पैगंबर, अगर ये आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या आप अपने आप को हलाक कर लें? और दूसरी जगह तो फरमाया, नालमु इन्ना लयहज़ुनुकल्लज़ी यकूलून, ऐ पैगंबर, हम जानते हैं, हमें पता है कि इनकी बातें आपको दुख पहुंचाती। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कह रहे, कोई मजनून कह रहे, कोई साहिर कह रहे, और कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज़ो तशनी कर रहे, अल्लाह के पैगंबर सीने पे बर्दाश्त कर रहे हैं शुरू शुरू में। लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो बोझ था, अल्लाह ताला ने इस्लाम की हिदायत फैलानी शुरू कर दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मर्दों में पहले इस्लाम ले आए, हज़रत अलीउल मुर्तदा बच्चों में पहले नंबर पर इस्लाम ले आए, हज़रत खदीजा औरतों में पहले नंबर पर इस्लाम ले आईं, हज़रत ज़ैद बिन हारसा ग़ुलामों में पहले नंबर पर इस्लाम ले आए, यानी इस्लाम का काफ़िला बनना शुरू हो। अब ये तो नहीं कह सकते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह और हज़ारों शख्सियतें पैदा हो गईं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक ही हैं और एक ही रहें, इस कायनात में एक ही आखिरी पैगंबर हैं, और तो नहीं हो सकते। लेकिन ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि वो जो गम और दर्द हुजूर के सीने में था, अब वो गम और दर्द हज़ारों इंसानों के सीने में पैदा हो गया। वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र थी, वो हज़ारों सहाबा ने अपनी फ़िक्र बना ली। आप दीन इस्लाम की खातिर माल निशावर करना शुरू कर दिया, सहाबा का एक काफ़िला तैयार हो। लेकिन किसी को क्या पता मेरे दोस्तों कि हुजूर ने इस काफ़िले को तैयार करने के लिए कितनी गालियां बर्दाश्त की, कितने ताने बर्दाश्त किए, ताइफ के पत्थर बर्दाश्त किए। उलमा ने लिखे पीछे जो हम शरह सदर के बारे में अल्लामा बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात लिखी है, उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने शरह सदर तो सारे पैगंबरों का फरमाया है, लेकिन जिस तरह अल्लाह ने हुजूर के सीने को खोला है किसी और के सीने को नहीं खोला। इसलिए कि ताइफ के पत्थर खा के भी हुजूर क्या दुआएं दे रहे हैं, अल्लाहुम्म हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर इनकी नस्लों में ऐसे लोग आएँगे जो ईमान लाने वाले होंगे। तो ये आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक ज़िम्मेदारी थी, हिदायत की ज़िम्मेदारी। जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जैसे वो एक सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए,
कहने लगे अल्लाह के नबी, आपकी दाढ़ी मुबारक में चंद बाज़ सफ़ेद हो गए, किस वजह से आपके बाज़ सफ़ेद हो गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैयबतनी हूद, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा बना दिया, सूरह हूद की वजह से मेरे बाज़ सफ़ेद हो गए। मैंने पढ़ा सूरह हूद के अंदर कि क्या बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह हूद ने बाज़ सफ़ेद कर दिए। उलमा ने लिखा है उसमें एक आयत है, फस्तकीम कमा उमिरत, ऐ पैगंबर आप चलिए जैसे चलने का हक है, आप ऐसे काम करिए जैसे काम करने का अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। इस आयत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ सफ़ेद कर दिए थे कि ये रोज़ रिसालत की ज़िम्मेदारी जो आपने हज्जतुल वदा पर सहाबा को मुखातब करके पूछा था, क्या मेरे सवालात कमोबे सहाबा किराम बताओ, क्या मैंने दावत का हक अदा किया कि नहीं किया? तो सहाबा किराम ने हुजूर के हक अदा करने की गवाही दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो गवाही, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह तू गवाह बन जा। तो मेरे दोस्तों, बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से अल्लाह का फ़ज़ल है, एक उम्मत तैयार हुई, बड़ी उम्मत बनी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी शब थी, यानी अल्लाह के नबी के दुनिया से इंतकाल होने से पहले आखिरी रात, इशा की नमाज में सहाबा किराम मस्जिद में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह के नबी की 23 साल मेहनत का सिला कि मस्जिद नबवी में सहाबा खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तो नहीं आ सकते थे बीमारी की वजह से। आपने पर्दा हटाया, आपने फरमाया कि पर्दा हटाओ। आपने सहाबा किराम पर आखिरी नज़र डाली, अंदाज़ा करो वो कैसी नज़र होगी कि जिसने 23 साल मेहनत का सिला अपनी आँखों से देखना हो और आखिरी वक्त हो, दुनिया से जाने का वक्त हो, अलविदाई नज़र हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की तरफ जब देखा तो सहाबा समझे शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने लगे। सहाबा नमाज से पीछे हटने लगे, आपने मना फरमाया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर ऐसे नज़र आया जैसे क़ुरान का वर्क होता है, जैसे क़ुरान का वर्क होता है। गज़ब की तशबीह दी है कि जिस तरह कुरान के वर्क का अदब है, ऐसे ही हुजूर का अदब है। जिस तरह कुरान का वर्क सुनहरी होता है, हुजूर के चेहरे अनवर भी बीमारी की वजह से सुर्ख हो चुका था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मुस्कुराए। आपका मुस्कुराना, उलमा ने लिखा है, यही होगा कि आपकी मेहनत से, 23 साल मेहनत से एक उम्मत वजूद में आई जिन्होंने हुजूर के काम को अपना काम समझकर पूरी दुनिया में दीन को फैला दिया। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ पैगंबर हमने आपसे वो हिदायत का बोझ हल्का कर दिया सहाबा की जमात देकर। तो मेरे दोस्तों, आखिर पे गुजारिश ये है कि अब मैंने और आपने हर एक ने ये सोचने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हिदायत के काम में हमारा कितना हिस्सा पड़ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हिदायत की मेहनत में, ये मौलवी का काम नहीं, ये सिर्फ़ ख़तीब का काम नहीं, ये सिर्फ़ तबलीगी जमात वालों का काम नहीं, ये हर एक इंसान की ज़िम्मेदारी है जिसने हुजूर का कलिमा पढ़ा, कि जिस दावत के लिए हुजूर ने पत्थर खाए, मशक्क़तें बर्दाश्त की, आज उस दावत में मेरा कितना हिस्सा पड़ रहा है। कम अज़ कम इतना ही सोच लें कि इस दावत के अंदर मुझे इतना गम है जितना हुजूर का 10वां हिस्सा, कम अज़ कम 10वें हिस्से के बक़दर तो हम में दर्द पैदा हो। तो इसलिए भाइयों, यह सूरत हमें बता रही है, इसमें अभी बड़े मज़ामीन हैं। ये अभी 2 एहसान अल्लाह ताला के बताएं, तीसरा बाकी है, ये इंशाल्लाह अगले दर्स में बयान करेंगे। अल्लाह जल्ला जलालू हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। जी भाई, किसी साथी का कोई सवाल? हाँ, भाई का सवाल बहुत अच्छा है। भाई का सवाल ये है, ये हमारे यहाँ आम पाया जाता है। भाई का सवाल ये है कि सुना है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दफ़ा अज़ान नहीं दी तो सुबह नहीं हुई, और इसी तरह हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान में तोतलापन था। मेरे भाइयों, असल बात यह है कि ये वाक़या बहुत मशहूर हो चुका है, ख़तीब हज़रात धड़ल्ले से इसको बयान करते हैं, लेकिन जिस तरह ये वाक़या इन्होंने मशहूर किया, वो वाक़या कैसे मशहूर किया आपको पूरा सुनाता हूँ कि जी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान में तोतलापन था। आप जब अज़ान देते थे तो
तो शीन की बजाय अशहादु में शीन की बजाय सीन निकलता था आपकी ज़ुबान से। तो यहूदियों ने कहा कि आपके तो मुअज्जिन के अल्फाज ही ठीक नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हटा दिया। उधर सुबह ही ना हुई, जिब्राइल आए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी उस वक़्त तक सुबह नहीं होगी जब तक बिलाल अज़ान न दे। और उन्होंने कहा जी ये कि इसी तरह हदीस सुनाई कि इन नसीन इंदल्लाह की शीन, कि बिलाल की तो सीन अल्लाह के यहाँ शीन ही है। ये बात बिल्कुल गलत है, मौजू और मनगढ़ंत रिवायत है, ऐसी कोई बात किसी हदीस से साबित नहीं है। बल्कि आ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु फसीहुल लिसान थे, आपकी ज़ुबान में किसी किस्म, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत बिलाल हबशी के बारे में ये तोतलेपन की बात गलत है, और ये बात कि हज़रत बिलाल हबशी की सीन शीन थी ये बात भी गलत। और अलामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर हज़रत बिलाल हबशी की ज़ुबान में तोतलापन होता तो अल्लाह के नबी उनको मुअज्ज़िन ही ना बनाते, इसलिए कि उनको तो फिर मुअज्ज़िन बनाने में दुश्मनान इस्लाम को एतराज़ का मौका मिल जाता। और बड़े बड़े मुल्ला अली कारी, अलामा जुलूनी, अलामा मिज़ी, बड़े बड़े उलमा ने ये बात लिखी है कि ये मनगढ़ंत है। हाँ, सही रिवायत से ये बात तो साबित है कि जब सहाबी ने ख्वाब देखा कि मैंने ख्वाब में अज़ान सुनी है, तो आपने फरमाया कि ये अज़ान के अल्फाज बिलाल को सिखा दो, इसलिए कि ये जो हुजूर ने बात फरमाई इस पर गौर करें, इसलिए कि बिलाल हबशी की आवाज़ बुलंद भी है और ख़ूबसूरत भी है। इसलिए कि बिलाल हबशी की आवाज़ बुलंद भी है और ख़ूबसूरत भी है, इसलिए हज़रत बिलाल हबशी फसीहुल लिसान थे, उनको तोतलापन की तरफ निस्बत करना ये बिल्कुल गलत। और भाई किसी का कोई सवाल? जी भाई, तलबा के पास होने का वजीफ़ा, आजकल पेपर भी चल रहे हैं भाई। देखिए असल बात तो ये है कि ये वजीफ़े तो पढ़ने चाहिए, दुआएं भी पढ़नी चाहिए, लेकिन ये दुनिया दारुल असबाब, इस दुनिया के अंदर इंसान को मेहनत भी करनी चाहिए। ये नहीं कि बग़ैर मेहनत के, बग़ैर असबाक पड़े जनाब नफलों की नीयत बांध के या अल्लाह पास कर दे पास कर दे, पहली पोजीशन, ये बेवकूफ़ी है, हमाकत है। असल बात क्या है, मेहनत करे, लेकिन ये भी हमाकत है कि मेहनत करके अपनी मेहनत पे ही भरोसा करे। मेहनत ज़रूर करे, यकीन अल्लाह की ज़ात पर करे, दुआएं मांगे। और जैसे बुज़ुर्ग हज़रात फरमाते हैं, एक पाव दुआ हो तो एक पाव मेहनत हो तो तीन पाव जो है वो दुआ होनी चाहिए। इसलिए इस तरह दुआ मांगे। बाकी वजीफ़ा जो है पेपरों में या इम्तहान में, उलमा ने मुख्तलिफ़ वजीफ़े लिखे हैं, एक वजीफ़ा ये भी है कि हर नमाज के बाद 21 मरतबा या नासिर पढ़े, या नासिर, ऐ मदद करने वाले। और जिस दिन इम्तहान हो उस दिन फजर की नमाज के बाद 150 मरतबा ये पढ़े, या अलीम हो, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसकी मदद फरमाएं। और भाई किसी का कोई सवाल? जी भाई, हाँ जी, हाँ जी, सुबह और शाम, मगरिब, फजर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। देखो पेपर में भाई का सवाल ये है कि पेपर में नकल मारना ठीक है? भाई जब है ही नकल है तो वो ठीक कैसे हो सकती है? और पेपर में नकल मारना या नकल मरवाना, ये दोनों गुनाह हैं। इसलिए कि देखो इसमें कितने नुकसान हैं। एक वो बच्चा है जो मेहनत करके गया है, तैयारी की उसने सुबह शाम, जनाब उसका दिमाग खुश्क हो गया पढ़ पढ़ के, अब वो पेपर के लिए बैठा हुआ है जाके, और दूसरा जनाब कुछ भी नहीं किया, सोया और मुंह धोया जाके पेपर में बैठ गया, वो नकल मार मार के लिख रहे, वो बेचारा सारी मेहनत करके लिख रहे, नतीजा दोनों का बराबर आ। इसमें दूसरों के हकूक़ की हक तलफी होती, और इसी तरह हुकूमत वक्त के बनाए हुए कवानीन या किसी इदारे के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जो गुनाह है। ना नकल मारनी चाहिए ना नकल मरवानी चाहिए। और भाई किसी का कोई सवाल? हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। देखो ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमें आज, देखो हमारा धोखा क्या लग गया,
हमें 9-10 मुहर्रम के खाने के फ़ज़ाइल तो याद हैं, रोज़े की फजीलत याद नहीं रही। वो वजह क्या है, जब खिलाएंगे पिलाएंगे तो रोज़ा कहाँ से रखें, और जो रोज़ादार होगा वो खिलाएगा पिलाएगा नहीं, क्योंकि रोज़ेदार तो ख़ुद उसको बुरा लगता है कि कोई खाए पिए। इसलिए 9-10 मुहर्रम का जो रोज़ा था, और वैसे भी शरीयत ने ना ज़्यादा खिलाने पिलाने के मसाइल को इतनी अहमियत नहीं दी, रोज़ा है रोज़ा। हाँ, 10 मुहर्रम को मैंने बताया था कि एक ज़ईफ़ हदीस से यह बात साबित है कि आप अपने अहलो अयाल पर गुसात करें, अपने घर में अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं। बाकी असल तो 10 मुहर्रम, 9 और 10 या 10 और 11 का रोज़ा रखना चाहिए। और भाई किसी का कोई सवाल? अपने हक के पीछे अगर आपको कोई हक वो आपको देता नहीं है, उसके पीछे रिश्वत देना, पैसे देना, भाई का बहुत अच्छा सवाल। देखो, रिश्वत वैसे देना अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नुम में जाएंगे। लेकिन अच्छा, यहाँ ये भी बात समझ लें कि रिश्वत का चाहे कोई भी नाम रख लो, रिश्वत रिश्वत ही रहती है। आजकल हमारे यहाँ रिश्वत को लोग चाय पानी कहते हैं, चाय पानी दे दो, हमारा ख़र्चा दे दो, देखो जी हमारे भी कुछ तकाजे हैं, हम जी गर्मी में आए हैं, आप गर्मी में ना आते भाई, इतनी तनख्वाह किस लिए लेते हो। तो ये अपने हक से हटकर जो रिश्वत के रंग बिरंगे नाम हैं वो सब हराम। बाकी रही ये बात जो भाई ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है कि अगर कोई चीज़ आपका हक है, आप वो अपना हक बग़ैर रिश्वत के वसूल नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में आपका तो रिश्वत देना जायज़ है, लेकिन लेने वाले को गुनाह रिश्वत का ही मिलेगा। देने वाले को देना जायज़ है, लेने वाले को रिश्वत का ही गुनाह। हम मिसाल के तौर पर गैस का मीटर है, दूसरे मीटर है, या इसी तरह जनाब सड़क के ऊपर आपको ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस वाला रोक के कहता है जनाब हमें कोई चाय पानी पिलाओ, अब आपकी जान नहीं छूटती तो आप उसको मजबूरन पैसे दे सकते हैं, लेकिन इसमें आप देने वाले गुनाहगार नहीं होंगे, लेने वाला गुनाहगार। हाँ, अलबत्ता ये बात याद रहे कि आप इशारा तोड़ के जा रहे, आप वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे, अब आप ट्रैफिक पुलिस वाले को कहते हो कि भाई चालान न काटो पैसे ले लो, ये सरासर रिश्वत है, ये सरासर रिश्वत है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। जी भाई, और भाई कब्रिस्तान में आग ले जाने ही मने। देखो आग जो है, आग जो है ना ये बदफाली, इसीलिए कहा जाता है कि कब्रिस्तान के अंदर आग नहीं जलानी चाहिए, और चराग जलाने से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है, इसलिए कब्रिस्तान के अंदर चराग जलाना ये बिल्कुल गुनाह है, ये एक बिदअत बन चुकी। और भाई किसी का कोई सवाल? कब्रिस्तान जाने का मशरूम तरीक़ा, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। देखो कब्रिस्तान में जाने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि कब्रिस्तान के अंदर जाते हुए एक तो इंसान सोचे कि एक दिन मैंने भी यहाँ आना है, मैं जहाँ जा रहा हूँ। इसलिए कहते हैं कब्रिस्तान ऐसा बनाओ कि जिसको देख के आखिरत याद आए, ऐसा ना पत्थर टैले लगा दो कि वहाँ सोने को दिल करे, बल्कि उसको देख के आखिरत याद आए, एक गम और फिक्र ले के जाए। जैसे सहाबे किराम के बारे में हम पढ़ते हैं, कब्रों से गुज़रते रोते हुए गुज़रते थे, तो अब कब्रिस्तान के पास से और फिर जाते हुए क्या दुआ पढ़े, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐसा कब्र वालों तुम पर सलामती हो, यग़फिरुल्लाहु लना, अल्लाह हमारी भी बख्शिश कर दे, वालकुम तुम्हारी भी बख्शिश कर दे, अंतुम सलफुना, तुम हमसे पहले चले गए, व नहनु बिल असर, हम भी तुम्हारे बाद आने वाले। ये दुआ पढ़े, ये सीख लेनी चाहिए हमें ये दुआ। उसके बाद अगर आप कब्रिस्तान के अंदर जाना चाहते हैं, वहाँ आप मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ़ पढ़ सकते हैं, बेहतर है जो भी आप पढ़ सकें सूरह यासीन पढ़ सकें। बाज़ उलमा ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप सूरतुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, ये 11 मरतबा पढ़ लें। जो भी आप वज़ाइफ़ अगर छोटे से छोटा पढ़ना चाहते हैं, आप सूरह इखलास पढ़ लें, और सूरतुल फलक, सूरतुल नास पढ़ लें, और नीयत ये करें कि अल्लाह इसका इसाले सवाब इन कब्रिस्तान वालों को पहुंचा दे। बाकी कब्रिस्तान में कब्र के पास कब्रों पे जाते हुए कब्रों को रौंदते हुए नहीं जाना चाहिए, अब कब्रों के ऊपर से छलांगते हुए फलांगते हुए, कभी किसी कब्र के ऊपर से कभी किसी के ऊपर से ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि बाज़ उलमा ने तो लिखा है अगर कब्रिस्तान कांटेदार ना हो, अब तो कांटेदार होते हैं, अगर कांटेदार ना हो, तकलीफ़ का ख़दशा ना हो, तो नंगे पांव जाना चाहिए,
ताकि कब्रिस्तान की बेहरमती ना हो, और वहाँ जाके दुआ मांगनी हो तो इस तरीके से दुआ मांगे कि ऐसे ना लगे आप कब्र वाले से दुआ मांग रहे हैं, बल्कि किबला रुख होकर बेहतर यह है कि हाथ ही ना उठाए, वैसे ही दुआ मांग ले। लेकिन अगर हाथ उठा के भी दुआ मांगनी है तो किबला रुख होकर मांगनी चाहिए। जी भाई, और किसी का कोई सवाल? हाँ भाई का बहुत अच्छा सवाल है कि औरतों का कब्रिस्तान जाना। देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो औरतों को बिल्कुल ही कब्रिस्तान जाने से मना कर दिया था। बाद में आपने फरमाया कुंतु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना किया था, अब तुम कब्रिस्तान में जा सकती हो। लेकिन उलमा ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह इजाज़त मशरूत, नंबर एक नौजवान ख़वातीन को नहीं जाना चाहिए, नंबर दो जो औरतें जाएं वो बापर्दा हो के जाएं, नंबर तीन हिम्मत वाली सब्र वाली औरतें जाएं, वहाँ जाके नौहाना शुरू कर दें, सीने को कपड़े फाड़ने ना शुरू कर दें, और इसी तरह बेपर्दगी की फ़िज़ा ना हो, औरत खुशबू लगा कर ना जाए, इन पाबंदियों की रियायत करते हुए अगर कोई औरत जाए तो जा सकती है। लेकिन आम तौर पे औरतें इन चीज़ों की रियायत नहीं करती, वहाँ जाके रंग बिरंगी बिदात करती हैं, इसलिए औरतों को मना किया जाता है। जी भाई, किसी का कोई सवाल? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, दोबारा बता दीजिए। जब हम तैयार होते हैं ना, हाँ जी, फिर उसके जो पार्टी से हम पैसे लेते हैं ना, उसका बगात खरीदते हैं 2 माह पहले, फिर जब वो बगात फुल तैयार हो जाता है फिर हम उसको पेटियाँ पैक करके देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गई समझ आ गई। ये बलूचिस्तान में ज़्यादा होता है मेरा ख्याल, बलूचिस्तान की तरफ के। अच्छा भाई का सवाल ये है, ये सूरत वहाँ ज़्यादा पेश आती है, इसको अगर आसान अल्फाज में ये कहा जाए कि फ़सल के पकने से पहले मामला तय करना। आम तौर पे ये होता है कि इन्होंने जिस आड़ती को अपना बाग फरोख्त करना होता है उसको कहते हैं कि तू हमें एडवांस में पहले पैसे दे दे, तो उससे पहले पैसे ले लेते हैं और उस पैसे से अखराजात कर लेते हैं, बाग के पानी के जो भी अखराजात होते हैं। तो भाई का सवाल ये है कि ये इस तरह करना ठीक है कि नहीं? ये ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। ठीक, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फसल के पकने से पहले किसी चीज़ का मुआमला करना, इससे हुजूर ने मना फरमाया। ये सही मुस्लिम में इसकी बेशुमार हदीसें हैं। सहाबा भी पहले ऐसे करते थे, फसल पकने से पहले सौदा कर लेते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इससे मना फरमाया। अलबत्ता इसमें जवाज की सूरत ये हो सकती है कि जिस आदमी से पहले पैसे लिए जाएं उससे सौदा न तय किया जाए, उसको वैसे ही कहा जाए कि भाई तू मुझे उधार दे दे पैसे, या तू मेरी मदद के तौर पर दे दे, कल जिस वक़्त फसल पकेगी उस वक़्त मेरा और तेरा मामला तय हो जाएगा। ये इस वजह से मना इसलिए किया आपने कि देखो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फसल किसी वजह से ज़ाया हो जाती, बारिश आए, तूफ़ान आया, या फल पके ही नहीं। अब वो कहे कि मैंने तो आपके साथ पक्की फसल का सौदा किया था, ये तो कच्ची फसल है, इसने फल सही नहीं दिया, इसमें फल कमज़ोर आया, तो इसमें झगड़े के बड़े इम्कानात हैं। इसलिए पहले से पैसे लेकर सौदा नहीं तय करना चाहिए, अलबत्ता उससे उधार पैसे ले ले, बाद में उसको दे दे। जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह के वपिला।